ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। रोहतास में कुमहाओ स्टेशन के करीब पंडित दीनदयाल गया पैसेंजर में सवार 45 वर्षीय एक व्यक्ति चलती ट्रेन से गिरने की वजह से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही जीआरपी थाना अध्यक्ष लल्लू सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराने हेतु भेज दिया गया और तत्काल इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। अच्छा, ये घटना कैसे हुआ? अरे कल गांव से चले हैं 2-2.5 बजे के लगभग में, और अब ट्रेन पकड़ के आ रहे थे तो बीच में गिरे हैं। कैसे गिरे हैं तो हमको सामने स्पॉट पे खड़ा थोड़ी जो है। कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे गया जा रहे थे। कौन सा ट्रेन से हुआ ये घटना? अब हम सामने थोड़ी जो है अभी कौन ट्रेन से आ रहे थे, कौन ट्रेन से घटना घटा है, ये हमको थोड़ी जिसे पता है। कल लगभग 9:30 बजे रात के लगभग बता रहे हैं जीआरपी थाने में कि घटना घटा है ये। हम तो सुबह जाने हैं। क्या नाम पड़ेगा इनका मृतक का? ये श्री मनोज राय। आपका नाम क्या पड़ेगा? रवि प्रकाश राय। आप मृतक के कौन है? छोटे भाई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये शुक्लपुरवा गाँव सोनहन थाना में पड़ता है। कितना उम्र होता होगा इनका? इनका उम्र 48-50 के लगभग यही है। असामाजिक तत्वों ने शिव भगवान की मूर्ति को फेंका। भागलपुर में असामाजिक तत्वों ने कहलगांव नगर निगम के अंतर्गत कुलकुलिया मोड़ के पास शिव भगवान की मूर्ति को उखाड़ फेंका, जिसमें ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और सीओ के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बहुत समझाने के बाद, वीडियो के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो है शंकर भगवान की प्रतिमा थी, शिवलिंग था, जिसको शरारती तत्वों ने उखाड़ कर फेंकने का काम किया है। जबकि यह जो जगह जो जिस पर हम लोग खड़े हैं, यह बिहार सरकार की जमीन है, नगर पंचायत की जमीन है। आप देख सकते हैं इस पौधे को, वृक्ष को देखिए, क्या यह कितने दिनों से कितना विशाल पौधा है। जहां सरकार एक ओर पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधा लगाने की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति को एक पौधा लगाने के वो प्रेरित करते हैं, वहीं उस पौधे को लोग काटने का भी प्रयास किया। उसमें आप देख सकते हैं कि जाके जो है वो प्रहार जो किया गया है वो है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कि झालर लगाया गया था, यहाँ लोगों ने जो है बड़ी आशा श्रद्धा के साथ जो है वो गाछ लाइए दीजिए, उसमें जो है झालर लगा हुआ है, दुल्हन के तरह इसको सजाया गया था। लोग नित्य यहाँ पे पूजा किया करते थे। यह शमी का पेड़ है जो शनि देवता का द्योतक होता है, इसको भी जो है इतने बड़े पेड़ को जो है इन लोगों ने काट कर धर्म को, हिंदू के धर्म को आहत करने का काम किया है। वीडियो और सीओ आया तो क्या आश्वासन मिला? वीडियो सीओ साहब आए थे, पहले तो उन लोगों ने इग्नोर किया, फिर जाके हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो है इस पर संतोषजनक जो आश्वासन मिला है। हम लोगों को बताया है कि यहाँ पे जो है खंडित प्रतिमा को बैठाना अशुभ होता है, इसलिए खंडित प्रतिमा को ना बैठाकर एक नई प्रतिमा को हम लोग यहाँ स्थापित करेंगे। हम लोग जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो है पूरा ग्रामवासी जो देख रहे हैं इधर इधर आगे पीछे भी आप देखिए, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। अभी हमारे भोलसर से हमारे पंचायत के जो है एक प्रतिनिधि। भूमिहार ब्राह्मणों ने किया ऐलान, 7 नवंबर को भरेंगे गांधी मैदान। रोहतास जिले के नासिरगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत धूस स्थित शहीद भगत सिंह वाचनालय में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन जिला इकाई रोहतास के तत्वाधान में प्रेस वार्ता सह आमंत्रण सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजीत कुमार पांडे व मंच संचालन सुभाष पांडे ने की। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। भोजपुरी गायक सोनू राय ने स्वागत गान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के आरक्षण का आधार आर्थिक हो या स्वर्ण, समाज को 25% आरक्षण व समुचित लाभ हर स्तर पर दिया जाए, स्वर्ण आयोग का पुनर्गठन कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिल रहे 10% आरक्षण के साथ अन्य वर्गों की तरह उम्र सीमा में छूट व 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाए। आमंत्रण सभा के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से हम लोग बिहार के 38 जिला, झारखंड के 7 जिला, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में और दिल्ली NCR के गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली सेंट्रल, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ भी समाज के लोग हैं, हम लोग कैंपेनिंग के माध्यम से इसी प्रकार आमंत्रण सभा के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। 7 नवंबर को अधिक से अधिक